अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन के न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास। ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारी, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास। शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक टॉप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस: एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच, पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिक पेट, हैदराबाद। स्पेशल ऑपरेशन टीम शमशाबाद जोन साइबराबाद और माधापुर पुलिस ने एक नोटोरियस हैबिचुअल चीटिंग ऑफेंडर को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 6 फोर व्हीलर्स व्हीकल्स, जिसमें इनोवा क्रिस्टा, वॉक्सवैगन पोलो, बेलेनो, स्विफ्ट कार, वर्ना और 2 टू व्हीलर बाइक्स, जिसमें रॉयल इनफील्ड, बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम गुड़ती महेश नूतन कुमार वल्द, लक्ष्मणा सूरी 27 साल, मोबाइल टेक्नीशियन, साकिन चंगी चरला विलेज घटकेसर मंडल मिर्चल मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना स्टेट बताया गया है। इसके अलावा साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार आईपीएस ने एसएसएमएन में एक प्रेस मीट मुनक्द करते हुए तफसीलात बताई और कहा कि तमाम जब्त शुदा अशिया की कुल मालियत 70 लाख रुपए बताई गई है। बाद अजा पुलिस ने एसएसएमएन में मजीद तफसीलात भी बताई। मोबाइल टेक्नीशियन बी कंप्लीट चेसारु, सीसाली विलेज कल्ला मंडल भीमावरम वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्रप्रदेश, इकड चंगीचर्ल गटकेसर दग्गर उंटुन्नारु। ईने ओक टिपिकल मोडस ऑपरेटिव उंदी, आने अन्नी कूडा अन्नी दोंगतनम कूडा चीट चेयडमु, दोंगतनम चेयडमु इंडिविजुअल गा चेयडम जरुगुतुंदी। ईने మొదటిగా ఈ షేరింగ్ రూమ్స్ యాప్ ద్వారా రూమ్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది। ఆ రూమ్ లో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళతో దోస్తీ చేసి వాళ్ళ దగ్గర అయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న వాల్యుబుల్స్ డబ్బులు కావచ్చు, ల్యాప్టాప్ కావచ్చు, వస్తువుల్ని దొంగతనం చేసి ఆ టైంలోనే ఆ ఒక కన్సర్న్ రూమ్మేట్ కి ఐడి ప్రూఫ్స్, ఆధార్ కార్డు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కూడా దొంగతనం చేసి అక్కడి నుంచి పారిపోవడం జరిగింది। ఇట్లానే దొంగతనం చేసిన ఐడి ప్రూఫ్స్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కావచ్చు, ఆధార్ కార్డ్స్ కావచ్చు, అవన్నీ కూడా ఎడిట్ చేసి వేరే వేరే ఊరికి వెళ్ళి ఈ రెంటల్ వెహికల్స్ ఇచ్చే కార్ కావచ్చు, బైక్స్ కావచ్చు, వాళ్ళ షాప్ ఓనర్స్ దగ్గర వెళ్ళి వెహికల్స్ ని హైర్ తీసుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది। జూమ్ కార్స్, డ్రైవ్ ఈజీ కార్స్, రేవ్ కార్స్, రాయల్ వెహికల్స్ దగ్గర ఈయనే వెహికల్స్ ని దొంగతనం చేయడం జరిగింది। దొంగతనం అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక ట్రాక్ చేస్తారని చెప్పి ఆ వెహికల్ లో ఉన్న జీపీఎస్ వెహికల్స్ జీపీఎస్ ని తీయడం జరుగుతుంది। ఇంకా ఏమంటారు ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాజెట్స్ అంతా కూడా తీసేసి ఫేక్ నంబర్ ప్లేట్ పెట్టేసి అక్కడి నుంచి ఆయన కావాల్సిన ప్లేస్ కి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది। ఇట్లా దొంగతనం చేసిన బండిని అన్ని కూడా మళ్ళీ పబ్లిక్ అమ్మడము, చాలా తక్కువ రేట్ లో ఆల్మోస్ట్ 30-40% రేట్ లో అమ్మడము, ఆ డబ్బులు వచ్చిన వచ్చిన డబ్బులతో జల్సా చేయడము, మళ్ళీ వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళడము, అక్కడ మళ్ళీ రూమ్ తీసుకు। सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सैयद उमर जलील ने कहा है कि शेड्यूल के मुताबिक ही इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से इंटर इम्तिहानात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हॉल टिकट्स भी जारी कर दिए गए हैं, जम्बलिंग के इंतजाम भी कर दिए गए हैं। सैयद उमर जलील ने 1 मई को इंटर फर्स्ट और 2 मई से इंटर सेकेंड ईयर के इम्तिहानात का आगाज होगा कहा। उन्होंने कहा है कि कोरोना वबा की वजह से थोड़ी दुश्वारी
तैयारियां हैं, मगर हम अपनी जानिब से तमाम तैयारियां कर चुके हैं। इम्तिहानात को मनसूख करने और तलबा को गुज़िश्ता साल की तरह प्रमोट करने के सवाल का जवाब देते हुए सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इसका कतई फैसला हुकूमत करेगी कहा, मगर हम इम्तिहानात की निकात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। रियासत भर में 1771 इम्तिहानी मराकज है, इसमें मजीद 400 मराकज का इजाफा किया गया है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों मिलाकर जुमला 850,000 तलबा इम्तिहानात में शिरकत कर रहे। बारगाह नबवी के 150 साल अजीम व कदीम शहर आफाक जामिया निजामिया के काबिल फ़ख्र व अजीम सपूत रईसुल उलमा मुफ्ती आजम हजरतुल उलमा मुफ्ती अलहाज मोहम्मद अजीमुद्दीन नक्शबंदी मुजद्दी खातरी इबन हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बा उमर शरीफ 82 साल ठीक 9:30 बजे गुज़श्ता शब अपनी क़यामगाह वाक़े खलवत रोड हैदराबाद में सानहा इर्तिहाल कर गए। इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पसमानदगान में महले के अलावा 4 साहिबजादगान मोहम्मद अजीजुद्दीन अजहर मोहम्मद मौसिकुद्दीन शकील मोहम्मद बलिकुद्दीन खुर्शीद ऑस्ट्रेलिया मोहम्मद असदुद्दीन इकबाल के अलावा 3 साहिबजादियां मौजूद हैं। हजरत की नमाज जनाजा व रसूल जामिया निजामिया में बाद नमाज जोहर अदा की गयी, जबकि तदफीन अहाता हजरत सैयद शुजाउद्दीन क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ईदी बाजार में सुपुर्द खाक किया गया। तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से, और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848118780, 6303710882। बाजार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल, वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासत का हर गाँव मुल्क के लिए एक मिसाल होना चाहिए। सरपंचों और सेक्रेटरियों को मजीद अवार्ड हासिल करने के लिए काम करना चाहिए। रोजाना हिफ्जानी सेहत से मुतालिक सफाई वाले ऐप को इस्तेमाल करना चाहिए। कोरोना के तेजी से फैलाव के तनाजर में ज्यादा मोहतात रहें। रियासती पंचायत राज दही तरक्की व दही ताज़ा पानी की सरफराहमी के वजीर एराबली दयाकर राव ने सरपंचों और ओहदेदारों को गाँव की पेशरफ्त से मुतालिक वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुनक़िद की और दफ्तर जिले कलेक्ट्रेट में वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गयी। इस कॉन्फ्रेंस में रियासती पंचायत राज दही तरक्की और दही पानी की फराहमी के वजीर एराबली दयाकर नौर ने कोरोना उरूज के तनाजर में गांव के सरपंचों, गांव के सेक्रेटरियों और दीगर ओहदेदारों को मजीद चौकसी के साथ काम करने की हिदायत की। दही तरक्की, शजरकारी, हिफ्जान सेहत से मुतालिक हिफ्जान सेहत को अपनाने का मशवरा दिया। देहात में बाकायदगी से सफाई सुथराई बरकरार रखने की हिदायत की। फेसबुक डाटा लीक का मामला अभी ताज़ा ही था कि अब खबर आई है कि माइक्रोसॉफ्ट की मलकियत वाले पेशावर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन के 50 करोड़ सार्फिन का डाटा लीक हो गया है, यानी इसका अफशा हो गया है। बावसुख ज़राए के मुताबिक 50 करोड़ लिंक्डइन प्रोफाइल से डाटे को मुबैना तौर से
स्क्रैप किए गए आर्काइव को एक मशहूर हैकर फोरम पर फरोख्त कर लिया रखा गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लीक हुई चार फाइलों में लिंक्डइन सार्फिन के बारे में उनका पूरा नाम, ईमेल पता, फोन नंबर, काम की जगह की जानकारी और कई सारी इतलात स्क्रैप के गई है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि हैकर फोरम के सार्फिन $2 के फोरम क्रेडिट की मदद से लीक किए गए नमूनों को देख सकते हैं। इस दौरान लिंक्डइन ने वजाहत की है कि उसने फरोख्त के लिए पोस्ट किए गए लिंक्डइन डाटा के मुबैना सेट की जांच की और ये लिंक्डइन का लीक डाटा नहीं था। मगरूबी बंगाल में हफ्ते के रोज चौथे मरहले में रियासती असम्बली की 44 सीटों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के दरमियान वोटिंग हुई। इलेक्शन कमीशन के राय के मुताबिक 44 असम्बली हलकों में 15,940 पोलिंग मरकज कायम किए गए। यहाँ 1,15,81,022 राय दहिंदगान 373 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। पुरअमन वोटिंग के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। रियासत में चौथे मरहले में 5 अजला के 44 असम्बली हलकों में पोलिंग हो रही, उनमें हावड़ा पार्ट 2 समेत जुनूबी 24 परगना पार्ट 2 और हुगली पार्ट 2, अली पोरद्वार और कोच बिहार सीटें शामिल है। जिले जुनूबी 24 परगना में खवातीन फैसला कुन किरदार अदा कर सकती हैं। जिले के 11 हलकों में खवातीन वोटरों की तादाद मर्द वोटरों की तादाद से ज्यादा है। RSS के सरबराह मोहन भागवत कोरोना वायरस से मुतासर हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए रियासत महाराष्ट्र के नागपुर में वाक़े किंग्सवे अस्पताल में शरीक कर दिया गया, जहां वो जर इलाज है। जराए के मुताबिक 70 साल राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के सरबराह की हालत मुस्तकम बताई गई है। RSS के ट्विटर पर इसकी इतला दी गई। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन की कमी पर हुकूमत को घेरते हुए कहा है कि मुल्क के अवाम को खतरे में डालकर इस वैक्सीन को बरामद नहीं किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, वैक्सीन की कमी बढ़ते हुए कोरोना बहरान में एक बहुत ही संगीन मसला है। हमारे मुल्क के लोगों को खतरे में डालकर वैक्सीन की बरामदात क्या सही है? मरकजी हुकूमत तासुब के बगैर तमाम रियासतों की मदद करे, हम सबको मिलकर इस वबा को हराना होगा। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा है कि CBSE के स्टूडेंट्स को नामसायद हालात में इम्तिहानात में आने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए और ऐसा करना उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया है। स्टूडेंट्स को भीड़ में जाने और इम्तिहान देने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, लिहाजा बोर्ड के इम्तिहानात मनसूख कर दिए जाएं या उन इम्तिहानात का शेड्यूल तब्दील किया जाए। नाजरीन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप, हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क, न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप, मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह अपनी अहलिया और अदाकारा दीपिका पादुकोण की वेबसाइट लॉन्च होने पर बहुत खुश हैं। दीपिका पादुकोण की वेबसाइट लॉन्च होने पर उनके शौहर रणवीर सिंह बहुत खुश हैं। रणवीर सिंह ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए दीपिका के लिए एक नोट लिखकर उनकी तारीफ की। रणवीर ने अपने नोट में लिखा, दीपिका आप दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान हैं जिससे मैं मिला हूं, और मैं ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, तुम अपने अंदर पूरी कायनात रखती हो, प्यार, शफकत, जहानत, खूबसूरती, फजल व इनायत और हमदर्दी भी रखती हो। ये सारी खूबियाँ आपको एक बेहतर और सच्चा फनकार बनाती हैं। तुम दुनिया के बेहतरीन अदाकारों में से एक हो, तुम्हारे पास नरमी, सबर और खुद एतमादी है। मैं कभी भी रुकता हूँ तुम्हारी सराहना करने के लिए, तुम्हारी रुख खास है, तुम बेहतरी के लिए पैदा हुई हो और मैं दुनिया का मुतफक्किर शौहर हूँ। अहम बात यह है कि दीपिका ने इंस्टाग्राम पर वेबसाइट लॉन्च करने की इतला
दी थी। दीपिका ने लिखा था कि गुज़िश्ता चंद महीने से इस वेबसाइट पर काम हो रहा था, लेकिन कोरोना वबा की वजह से इसमें ताखिर हुई। आखिरकार ये बनकर तैयार हो गई। मेरा ख्याल है कि इस वेबसाइट में ऐसे अनासर शामिल हैं जो मेरी शख्सियत को बयान करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी उसे पसंद करेंगे। बताया जाता है कि इस वेबसाइट के जरिए दीपिका के आइंदा प्रोजेक्ट, सोशल वर्क और इसी तरह की दीगर चीजों के बारे में मालूमात दी जाएंगी। सऊदी वजारत दाखिला ने इंतबाह दिया है कि उमरे के लिए इजाजत नामे के बगैर हरम शरीफ जाने वाले अफराद को 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। वजारत दाखिला के अहदेदार ने जारी करदा एक बयान में कहा है कि अल मस्जिद अल हराम, इसके सहन, मुताफ और सफा व मरवा के दरमियान सही समेत तमाम मुकाम पर कोरोना वबा को फैलने से रोकने के इकदाम के तौर पर हजूम कंट्रोल करने की खातिर लगाई गई पाबंदियों को मुयसर बनाने के लिए ये फैसला किया गया। वाज़ेह रहे कि क्या गया अगर कोई शख्स रमजान अल मुबारक के दौरान इजाजत नामा हासिल किए बगैर उमरा करने के लिए जाएगा तो उसे 10,000 रियाल जुर्माना अदा करना होगा। जबकि अल मस्जिद अल हराम में इजाजत नामे के बगैर दाखिल होने की कोशिश करने पर 1,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। वजारत दाखिला ने सऊदी और गैर मुल्कियों शहरियों से पुरजोर अपील की है कि जो लोग उमरा करना चाहते हैं या नमाज के लिए अल मस्जिद अल हराम जाने के ख्वाहिशमंद हों वो कबल अज वक्त इजाजत नामा जरूर हासिल कर लें। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश, 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश, फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तियाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबले रिहायश आबादी से मुतसल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है, जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।